हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं सीमा साध सोशल साइंस में एक नया टॉपिक लेकर आपके बीच पुनः उपस्थित हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारा जीवन और पर्यावरण, यानी आज का हमारा टॉपिक है हमारा जीवन और पर्यावरण, और यह इस टॉपिक का पार्ट वन है। तो हमारा जीवन और पर्यावरण दोनों एक दूसरे से कैसे संबंधित है और कौन कौन सी चीज़ें पर्यावरण पर प्रभाव डालती हैं, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कृषि एवं पशुपालन का पर्यावरण पर प्रभाव, यानी ये जो खेती है जिसे हम कृषि कहते हैं, तो कृषि के ऊपर पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन का पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी ये जो हम खेती करते हैं हमारे देश के किसान और जानवरों को पशुओं को पालते हैं, इनका पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव होता है। कृषि विश्व जनसंख्या की अन्नपूर्णा है, यानी ये जो खेती होती है वह पूरी दुनिया में जितनी जनसंख्या उसकी अन्नपूर्णा है। अन्नपूर्णा मतलब अन्नदाता है। खेती से ही, कृषि से ही पूरी दुनिया को अन्न उपलब्ध होता है। कृषि में भूमि की जुताई, फसल उगाना, काटना, पशुपालन आदि शामिल है। यानी खेती के अंतर्गत कौन कौन से काम शामिल होते हैं, तो खेती के अंतर्गत भूमि की जुताई करना, फसल उगाना, काटना, पशुपालन आदि, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। आधुनिक कृषि परंपरागत कृषि से बिल्कुल अलग है, यानी वर्तमान समय में जो खेती की जाती है वह कृषि या वह खेती पहले जो जिस तरह की खेती की जाती थी परंपरागत तरीके से, उससे बिल्कुल अलग है। पारंपरिक कृषि मानवीय तथा पशु श्रम पर आधारित थी, यानी जो पहले पारंपरिक तरीके से जब कृषि होती थी वह खेती पशु और श्रम के ऊपर आधारित होती थी, कि जानवर के माध्यम से जो पशु होते थे जैसे बैल है, वो खेतों में हल जो मतलब उनके माध्यम से उन्हें जोत कर खेतों में हल चलाते थे, और जो इंसान है मतलब कि जो किसान होते थे वह अपनी मेहनत के बल पर पहले खेती करते थे। जबकि आज की जो वर्तमान समय में जो कृषि की व्यवस्था है वह इसके बिल्कुल विपरीत है, यानी इससे भिन्न है। आजकल क्या होता है खेती में, आजकल खेती में मशीनों का प्रयोग किया जाता है, नए नए यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जैसे खेतों को काटने के लिए हार्वेस्टर का यूज़ हो जाता करते हैं, उसको जोतने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है, और भी कई मशीनों का प्रयोग करके आजकल खेती की जाती है। कृषि संबंधी कई गतिविधियां पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि आजकल जो हम जिस तरीके से किसान खेती कर रहे हैं और हमारे देश में कृषि हो रही है और दुनिया के बाकी देशों में भी, वह खेती करने के जो वो तरीके हैं वह पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, वे पर्यावरण के ऊपर विपरीत प्रभाव डालते हैं। कुछ गतिविधियां पर्यावरण को प्रत्यक्ष एवं कुछ अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि आजकल जो हम खेती करते हैं या खेती करने का जो नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं उनका पर्यावरण के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है, यानी कि ये पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं, और पहले की खेती जिस तरह से की जाती थी वह पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होती थी। आधुनिक खेती में उत्पादन वृद्धि के लिए उर्वरकों का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वर्तमान समय में जो कृषि व्यवस्था है या जिस तरीके से खेती की जाती है उसमें किसान अपनी खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए उर्वरकों का, यानी कि नए नए केमिकल युक्त उर्वरक इस्तेमाल करते हैं, खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिससे खेती की पैदावार तो बढ़ जाती है और किसानों को लाभ भी होता है, लेकिन वे पर्यावरण के ऊपर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। सामान्यतः खेत में डाले गए कुछ रासायनिक उर्वरक का लगभग 60% अंश ही पौधों द्वारा उपयोग में लाया जाता है, यानी कि वर्तमान समय में जो खादों का इस्तेमाल किया जाता है खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए, जो उर्वरक इस्तेमाल किए जाते हैं उनका 60% अंश ही पौधों के अंदर जाता है, बाकी जो 40% बचता है वह मिट्टी में शेष रह जाता है, यानी कि मिट्टी में मिल जाता है। तो कई तरह के प्रभाव उसकी वजह से पर्यावरण के ऊपर पड़ते हैं, जैसे कि वर्षा के जल के साथ प्रवाहित होकर वह खेतों के निकट स्थित तालाबों, नदियों या झीलों में पहुंच जाते हैं, यानी कि ये जो 40% जो उर्वरक होते हैं
उनमें जो केमिकल मिले होते हैं वह जब मिट्टी में मिल जाते हैं और जैसे ही बारिश होती है तो बारिश के द्वारा जब मिट्टी बहकर जाती है नदी तालाब में झीलों में, तो वह कीटनाशक सॉरी उर्वरक उनके साथ पानी में बहकर चले जाते हैं और इन जल स्रोतों को वह मतलब नुकसान पहुंचाते हैं। और इनका जो पानी है वह अगर पीने में इस्तेमाल होगा तो वह उसका गलत प्रभाव पड़ेगा, कई प्रकार की बीमारियां फैलेंगी और लोगों पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, यानी वह नुकसानदायक होगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं रासायनिक उर्वरक, इनका इस्तेमाल कम करना चाहिए ताकि पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहे। खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए हमें इन केमिकल युक्त रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग की जगह दूसरे जैविक उर्वरकों का या ऐसे उर्वरक इस्तेमाल किए जाने चाहिए जो कि पर्यावरण के ऊपर विपरीत प्रभाव न डालें। प्रत्येक वर्ष कृषकों को पौधों के विभिन्न रोगों कीड़ों आदि से जूझना पड़ता है, यानी हर साल जो हमारे देश के किसान होते हैं उन्हें उनकी जो फसलें होती हैं जो पौधे होते हैं उनमें कई प्रकार के कीड़े लग जाते हैं, इनका सामना उन्हें करना पड़ता है जिससे उनकी पैदावार पर असर पड़ता है फसलों की पैदावार पर। तो फसलों को रोगों तथा कीड़ों से बचाने के लिए अनेक प्रकार के कीटनाशक व रोगनाशकों का प्रयोग करना पड़ता है। इनका निरंतर प्रयोग मिट्टी की उर्वरता के लिए घातक होता है, साथ ही मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि हर साल जो हमारे देश के किसान हैं जब उनकी फसलों में पौधों में कीड़े लग जाते हैं तो उन कीड़ों को मिटाने के लिए फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए किसान कई तरह के कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं और उन कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता यानी मिट्टी की जो पैदावार क्षमता है वह कम हो जाती है और साथ ही साथ मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी इन कीटनाशकों का विपरीत प्रभाव पड़ता है और कई प्रकार के रोग जिससे उत्पन्न हो जाते हैं। पशुपालन कृषि की वह शाखा है जो पशुओं के संवर्धन तथा पालन से संबंध है, यानी जो पशुपालन है और खेती है, पशुपालन खेती की वह शाखा है। खेती मीन्स कृषि, जैसा कि मैं यहाँ पे नाम इस्तेमाल कर रही हूँ खेती, खेती मीन्स खेती को हम कृषि कहते हैं, तो पशुपालन कृषि की ही एक शाखा होती है। जो कृषि करते हैं वह पशुओं को भी पालते हैं हमारे देश के किसान, और जो पशुओं के संवर्धन तथा पालन से संबंधित होती है, यानी कि पशुपालन और कृषि दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं और पशुओं की जो भी मतलब उनकी पशु जो पाले जाते हैं जो पालतू पशु होते हैं जैसे कि गाय है भैंस है बकरी है, और इनकी उत्पादन क्षमता इनकी जैसे ये जो दूध ये जानवर या जो पालतू पशु हैं जिनका दूध हम इस्तेमाल करते हैं इनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कई तरह की मतलब कार्य किए जाते हैं और पशुओं से प्राप्त उत्पादों तथा व्यावसायिक स्तर पर उपयोग करने के लिए नवीनतम तकनीकें प्रयुक्त हो रही हैं। पशुधन से प्राप्त उत्पादन यानी पशुओं के धन से जो उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं उनका व्यावसायिक स्तर पर उपयोग बढ़ाने के लिए यानी व्यवसायीकरण उनका और ज़्यादा बढ़ाने के लिए नई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है और पशुओं को उचित खुराक व प्रबंधन पर भारी धन खर्च भी किया जा रहा है जिससे अधिकतम प्रतिफल मिल सके, परंतु विश्व के कई भागों में पशु आहार व प्रबंधन उचित नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं जो हमारी कृषि है खेती है उसमें पशुओं को पाला जाता है और पशुओं के जो भी वह मतलब कि उनके जैसे पशुओं से दूध निकाला जाता है उनके दूध की पैदावार क्षमता बढ़ाने के लिए दूध की मतलब कि जानवरों की भैंसों की गायों की जो दूध की क्षमता है देने की उसे बढ़ाने के लिए कई तरह की मतलब कि चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं और उनका पूरी तरीके से व्यवसायीकरण करने के लिए नई नई वर्तमान समय में तकनीकें यूज़ की जा रही हैं और पशुओं को उचित खुराक व प्रबंधन के लिए भी काफ़ी पैसा खर्च किया जा रहा है, यानी कि पशुओं को उचित खुराक मिल सके और वो काफ़ी अच्छे से मैनेज हो सके इस पे काफ़ी धन खर्च हो रहा है जिससे अधिकतम प्रतिफल मिल सके किसानों को
परंतु विश्व के कई भागों में पशु आहार व प्रबंधन ठीक तरीके से नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय में ये जो कृषि के साथ पशुपालन किया जाता है, उस पशुपालन को और बड़े लेवल पर बढ़ाने के लिए, उसका व्यवसायीकरण करने के लिए काफ़ी कुछ तकनीकें इस्तेमाल की जा रही हैं और कुछ हद तक लोग इसमें सफल भी हो रहे हैं। लेकिन सभी जगह दुनिया के सभी भागों में पशुओं के उचित आहार की और उचित प्रबंधन की व्यवस्था नहीं है। तो यानी हम ये कह सकते हैं ओवरऑल कि किसान जो होते हैं वह अपने जानवरों के दूध की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, अपनी खेती की फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए कई तरह की तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। साइंटिस्ट लोग तकनीकें नई नई रोज ढूंढ रहे हैं ताकि अधिक से अधिक खेती में पैदावार बढ़ सके और जानवरों की अपनी जो उत्पादन मतलब की क्षमता है उसे भी वह बढ़ा सके। पर वह इसके साथ ही यह नहीं देख रहे हैं कि इन सभी चीज़ों का पर्यावरण के ऊपर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। बढ़ती जनसंख्या का दबाव पशुधन पर भी पड़ रहा है। यानी जिस तेजी से, जिस गति से वर्तमान समय में जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उसका असर पशुधन के ऊपर भी पड़ रहा है, पशुओं के ऊपर भी पड़ रहा है। पशु उत्पादों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उस जनसंख्या का असर पशु उत्पादन पर पड़ रहा है, क्योंकि जिस गति से जनसंख्या बढ़ती है उस गति से पशुओं की उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ती है। वैज्ञानिक इन उत्पादों में की वृद्धि पर कठोर परिश्रम कर रहे हैं। यानी कि वैज्ञानिक जो हैं, हमारे देश के साइंटिस्ट और दुनिया के साइंटिस्ट दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि वह पशुओं के उत्पादों में वृद्धि कर सकें, उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ा सकें। उन्होंने पशुओं पर गहन शोध किया है, मतलब कई रिसर्च वह कर रहे हैं। वे कई क्षेत्रों में सफल भी हुए हैं, जैसे अधिक ऊन के लिए उन्नत किस्म की भेड़ों का पालन करना, यानी ऊन की पैदावार बढ़ाने के लिए वह अच्छे अच्छे किस्म की भेड़ों का मतलब पालन किया जा रहा है, नई नई किस्म की भेड़ों को पाला जा रहा है ताकि अधिक से अधिक ऊन की प्राप्ति हो सके। और क्लोन का निर्माण करके पशुओं का कृत्रिम प्रजनन किया जा रहा है, यानी कि पशुओं की जो प्रजनन क्षमता भी बढ़ाई जा रही है क्लोन का इस्तेमाल करके। और नवीनतम शोध में उच्च अर्थ वाली नस्लों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, मतलब जो नई जो वैज्ञानिक लोग खोज कर रहे हैं, साइंटिस्ट लोग जो खोज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसमें उच्च अर्थ यानी कि लाभ देने वाली नस्लों को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे किस्म की मतलब नस्लों की पैदावार बढ़ाई जा सके, वह जानवरों की, वह पशु जो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब दूध की क्षमता बढ़ाने में अधिक से अधिक मतलब कि वो सही साबित हों। और इसके अलावा मांस के लिए भी कई लोग जानवरों को पालते हैं, तो इसकी उनकी क्षमता बढ़ाई जा सके। इससे जैविक विविधता प्रभावित हो रही है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जानवरों जो पालतू पशु हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, भेड़, जिनका दूध इस्तेमाल किया जाता है, जिनसे मांस प्राप्त किया जाता है, जिनसे और भी जैसे भेड़ों से ऊन प्राप्त किया जाता है, तो इन सब चीज़ों के लिए नई नई वैज्ञानिक लोग तकनीकों का इस्तेमाल करके इनकी पैदावार क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ हद तक वह सफल भी हो रहे हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों का पर्यावरण के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, इस बात का बहुत ही कम ध्यान रखा जा रहा है। अब हम बात करेंगे उद्योग की। उद्योग का संबंध किसी क्षेत्र में वस्तुओं के उत्पादन तथा सेवाओं से है। उद्योग का संबंध कैसे है? किसी भी क्षेत्र में वस्तुओं के उत्पादन व सेवाओं से है। प्रौद्योगिकी तथा प्राकृतिक संसाधन मिलकर वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। यानी कौन मिलकर? प्रौद्योगिकी यानी कि तकनीकी और प्राकृतिक संसाधन मिलकर वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। वस्तुओं का उत्पादन तो पहले भी होता था, परंतु अधिक मात्रा में उत्पादन औद्योगिक क्रांति के बाद प्रारंभ हुआ है। यानी बस ऐसा नहीं है कि आज जो उत्पादन हो रहा है वह पहले नहीं होता था, पहले भी वस्तुओं का उत्पादन होता था, लेकिन
अधिक मात्रा में उत्पादन औद्योगिक क्रांति के बाद इसकी शुरुआत हुई है। अधिक मात्रा में उत्पादन तभी संभव है जब वस्तुएं मशीनों द्वारा उत्पन्न हों। यानी अधिक से अधिक उत्पादन कब संभव होगा? जब अधिक से अधिक मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा, नई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा, तब ये सब संभव हो पाएगा। नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो तथा कार्यकुशल जनशक्ति उपलब्ध हो, यानी अधिक मात्रा में उत्पादन दो चीज़ों के कारण संभव हो पाएगा। एक तो मशीनों का उपयोग हो और दूसरा तकनीक प्रौद्योगिकी यानी कि तकनीकी का इस्तेमाल हो और कार्यकुशल जनशक्ति उसमें लगाई जाए, यानी कार्य मतलब कुशल मजदूरों का इसमें यूज किया जाए। और वर्तमान में प्रमुख उद्योग लोहा तथा इस्पात उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, चीनी उद्योग तथा कपड़ा उद्योग हैं। यानी वर्तमान समय में जो प्रमुख उद्योग हैं वह कौन कौन से हैं? तो वर्तमान समय के प्रमुख उद्योग हैं लोहा, इस्पात उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, चीनी उद्योग यानी कि शक्कर उद्योग, और इसके अलावा कपड़ा उद्योग। इनका अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा इनका इस्तेमाल हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इन उद्योगों पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रत्येक उद्योग में निवेश तथा उत्पादन होता है, यानी जो भी उद्योग लगाया जाता है उसमें निवेश करना पड़ता है। निवेश में कच्चा माल, मशीनें, प्रौद्योगिकी, पूंजी, श्रम आते हैं। यदि कोई भी उद्योग लगाया जाए उसमें निवेश करना पड़ता है, तभी उसे उत्पादन होता है। और निवेश में कौन कौन सी चीज़ शामिल होती हैं? तो निवेश में कच्चा माल, मशीनें, प्रौद्योगिकी, पूंजी और श्रम, ये चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। उत्पादन में अंतिम उत्पाद तथा तैयार वस्तुएं आती हैं। उत्पादन में कौन कौन सी चीज़ शामिल होती है? उत्पादन में उत्पाद और इसके अलावा जो वस्तुएं उत्पादन के बाद तैयार होती हैं वह इसमें शामिल होती हैं। जब एक उद्योग का अंतिम उत्पाद किसी अन्य उद्योग में प्रयोग होता है तो उसे उत्पादित सामान कहते हैं। यानी कि जब कोई एक उद्योग का अंतिम उत्पाद किसी दूसरे उद्योग में प्रयोग होता है तो हम उसे अंतिम उत्पाद कहते हैं, उसे उत्पादित सामान भी कहते हैं। इस्पात एक महत्वपूर्ण उत्पादित सामान है। क्या है इस्पात? एक महत्वपूर्ण उत्पादित सामान है क्योंकि यह लोहा तथा इस्पात उद्योग में अंतिम रूप से तैयार होता है। इसे भवन निर्माण उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, जलपोत निर्माण उद्योग आदि कई उद्योगों में प्रयुक्त होता है। यानी कि ये जो लोहा और इस्पात उद्योग है इनका इस्तेमाल भवन बनाने में, उद्योग लगाने में, ऑटोमोबाइल उद्योग और जहाज वगैरह बनाने में इनका इस्तेमाल होता है। अब हम बात करेंगे उद्योग में कौन कौन से अवयव लगते हैं उद्योग को खड़ा करने के लिए। तो उद्योग में उद्योग के अवयव, अधिकतर उद्योगों में चार निवेश होते हैं। अगर कोई भी उद्योग खड़ा करना है, कोई भी उद्योग लगाना है तो उसमें चार चीज़ों की आवश्यकता होती है। नंबर एक है पूंजी, नंबर दो कच्चा माल और नंबर तीन है प्रौद्योगिकी तथा श्रम। तो ये उद्योग के मतलब अवयव हैं, इनके आधार पर ही उद्योग खड़ा हो पाता है, कोई भी फैक्ट्री लगाई जा सकती है। तो हम एक एक करके इनको समझने की कोशिश करेंगे। नंबर एक पर आता है पूंजी, जिसे इंग्लिश में हम कैपिटल भी कहते हैं। प्रत्येक उद्योग को दो प्रकार की पूंजी की आवश्यकता होती है। यानी कोई भी उद्योग लगाया जाए किसी भी चीज़ का, उसके लिए कम से कम दो प्रकार की पूंजी की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। नंबर एक है भौतिक पूंजी और नंबर दो है आर्थिक पूंजी। भौतिक पूंजी में आता है संसाधन, यानी कौन कौन से साधन उसके लिए चाहिए पड़ेंगे। और दूसरा आता है आर्थिक पूंजी, आर्थिक पूंजी में होता है पैसा। भौतिक पूंजी के अंतर्गत भवन, मशीनें आदि शामिल होती हैं। आर्थिक पूंजी में स्वयं या बैंकों या फिर अन्य संस्थाओं से ऋण के रूप में मतलब पैसा लिया जाता है। यानी जैसा कि मैंने आपको बता दिया, पूंजी में दो प्रकार की पूंजी लगती है। एक भौतिक पूंजी जिसमें कि भवन, मशीनें ये शामिल होती हैं, इसके अलावा दूसरा होता है आर्थिक पूंजी। और आर्थिक पूंजी में पैसा होता है, और पैसे चाहे बैंक के द्वारा उधार लिया जाए लोन के रूप में या कहीं से मार्केट से ऋण और दूसरे तरीके से शेयर के माध्यम से लिया जाए। तो इस तरह पैसा और भौतिक संसाधन दोनों की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है किसी भी उद्योग को खड़ा करने में। दूसरे नंबर पे आता है कच्चा माल। तो जो उद्योग की अवयव है, पहला हो गया पूंजी और दूसरी क्या है? कच्चा माल। अधिकतर उद्योग प्राकृतिक संसाधनों नवीनीकरणीय या अनवीनीकरणीय द्वारा प्रदत्त कच्चे माल पर निर्भर है। मतलब कच्चा माल क्या होता है?
अधिकतर उद्योग जो होते हैं प्राकृतिक संसाधनों पर निर्माण करते हैं, और इसके अलावा अनवीनकरणीय यानी कि कच्चे माल के ऊपर भी वह निर्भर होते हैं। तीसरा है प्रौद्योगिकी। वर्तमान में प्रौद्योगिकी के विकास से अत्यधिक उद्योग निर्माण हुआ है। वर्तमान समय में क्या हो रहा है, वर्तमान समय में प्रौद्योगिकी के विकास में अत्यधिक उद्योग निर्माण हुआ है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीनता समाज व संस्कृति को बदल सकती है। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है तकनीकी के द्वारा समाज में नवीनता को लाया जा सकता है और संस्कृति को बदला जा सकता है। नंबर चार पे आता है श्रम। श्रम का संबंध कार्मिक शक्ति से है, यानी श्रम मीन्स क्या होता है, जो मजदूर वर्ग है उसे हम श्रम कहते हैं। तो श्रमिकों के समूह बनाए जाते हैं, क्या होता है, श्रमिकों के समूह बनाए जाते हैं, जो मजदूर होते हैं उनके समूह बनाए जाते हैं, जो अपने कार्य को मालिकों के साथ निर्धारित करते हैं। तो ये चार जो हैं वह उद्योगों के अवयव हैं। कौन कौन से, नंबर एक पूंजी, नंबर दो कच्चा माल, और नंबर तीन प्रौद्योगिकी, और नंबर चार है श्रम। अब हम बात करेंगे वस्तु निर्माण की प्रक्रिया, मतलब कोई भी वस्तु को कैसे बनाया जाता है, उसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, कोई भी वस्तु बनने से पहले किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है। तो वस्तु निर्माण की तीन प्रक्रियाएं होती हैं। किसी भी वस्तु का निर्माण तीन प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। नंबर एक है संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, विभिन्न भागों को जोड़कर अंतिम उत्पाद तैयार करना संयोजन है। यानी क्या है, कई उत्पादों को एक साथ जोड़ना संयोजन है। जैसे कि साइकिल को पहियों, हैंडल, सीट, चेन तथा अन्य भागों से जोड़कर तैयार किया जाता है, मतलब कई भागों को मिलाकर किसी एक चीज को तैयार करना संयोजन है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बताया जा रहा है कि जिस तरह साइकिल के हम अलग अलग पार्ट्स खरीद लेते हैं मार्केट से, उसकी सीट, उसके पहिए, उसकी चेन, उसके हैंडल, कवर और भी कई सामान, और उन सभी को जब हम जोड़ देते हैं तो वह संयोजन कहलाता है। दूसरा है परिवर्तन, यानी कि बदलाव। परिवर्तन में कच्चे माल को नए माल या अंतिम उत्पाद के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे कि वृक्षों को चीरकर लकड़ी बनाना। तो परिवर्तन करना यानी कि बदलाव करना। तो परिवर्तन में कच्चे माल के द्वारा नया माल तैयार किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वृक्षों को मशीन के द्वारा उनको काट कर चीर कर उनसे लकड़ी बनाना, तो ये कहलाता है परिवर्तन। नंबर तीन आता है निष्कर्षण। क्या आता है, निष्कर्षण। तो निष्कर्षण में कच्चे माल में से एक या दो अवयव निकाल लिए जाते हैं, जैसे कि पेट्रोल कच्चे तेल से अलग किया जाता है। निष्कर्षण मतलब आखिर में उसका जो लास्ट की जो प्रोसेस होती है वो होती है निष्कर्षण। निष्कर्षण में क्या होता है, निष्कर्षण में कच्चे माल में से कोई एक या दो अवयव उसके निकाल लिए जाते हैं उसके, जैसे कि जो पेट्रोल होता है उसे कच्चे तेल से अलग किया जाता है, यानी जो पेट्रोलियम पदार्थ होता है, तो पेट्रोलियम पदार्थ में से जैसे कि मिट्टी का तेल, हम कच्चा तेल की बात कर रहे हैं, यानी कि मिट्टी के तेल की बात कर रहे हैं, तो मिट्टी के तेल से साफ करके पेट्रोल बनाया जाता है। यानी हम मिट्टी को, डीजल को जब हम साफ करते हैं तो बनता है मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन, और केरोसिन को जब हम साफ करते हैं तो बन जाता है पेट्रोल। तो इस तरह निष्कर्षण में कच्चे माल से एक या दो अवयव को निकाल लिया जाता है। उपरोक्त तीन प्रक्रियाओं के अतिरिक्त अन्य प्रक्रियाओं द्वारा भी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। प्रक्रियाएं एक उद्योग से दूसरे उद्योग तक भिन्न हो जाती है, मतलब हमने जो वस्तु निर्माण की तीन प्रक्रियाएं पढ़ी हैं इनके अलावा भी कई अन्य प्रक्रियाओं के द्वारा वस्तुओं का निर्माण होता है, और यह प्रक्रिया एक उद्योग से दूसरे उद्योग में भिन्न हो सकती है, अलग अलग उद्योगों में अलग अलग प्रक्रियाएं हो सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।